सुप्रभात बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कविता के ऊपर की लाइनें पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि बच्चा चिड़िया के माध्यम से कह रहा है कि उसको पढ़ना है, चिड़िया उसको पढ़ने दे, उसको मेहनत करनी है, एक अच्छा आदमी बनना है। आगे वो क्या कहता है कि उसका बैग बहुत ज़्यादा भारी है और उस पर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसलिए उसको पढ़ना है, मेहनत करनी है। अब आगे पढ़ेंगे, देश की रक्षा करने दे, सत्य के मार्ग पर चलने दे कि मुझे बड़ा होकर अपने देश की रक्षा करनी है, देश सेवा करनी है मुझे, सत्य मार्ग पर चलने दे। सत्य का क्या मतलब होता है? सत्य सत्य को क्या होता है? सच या सच्चाई। सत्य के मार्ग पर चलने दे मुझे, सच के रास्ते पर चलने दे कि मैं हमेशा बड़ा होकर सच बोलूं। नया काम कुछ करने दे कि मैं कुछ बड़ा होकर नया काम करूं, जिससे कि सब मुझ पर गर्व करें। पढ़ने दे मुझे, पढ़ने दे इसलिए चिड़िया मुझे पढ़ने दे, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़कर एक सफल आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, इसलिए चिड़िया मुझे पढ़ने दे। ये आपकी कविता थी। इसके आगे अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको ये कविता अच्छे से पढ़नी है और इसके जो शब्दार्थ हैं उनको याद करना है। धन्यवाद।